हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा और मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है फिफ्थ सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये कोर्स आपकी आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है शिल्पा झा के द्वारा। प्लीज़ रेट, रिव्यू, सब्सक्राइब और रेकमेंड करें इस कोर्स को, एंड प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स बिलो। ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग, दैट इज़ एग्रीगियस। यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छा है वो, वैसे ही इज़ वेरी नाइस एंड एवरीथिंग, और वो जाके चोरी कर ले, ठीक है, आपके घर से आके, तो दैट इज़ एन एग्रीगियस एक्ट, बहुत ही ख़राब एक्ट, बहुत ही गंदा, शॉकिंग और बहुत आउटस्टैंडिंगली बैड है। क्योंकि चोरी, किसी भी फॉर्म की चोरी ही अच्छी चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ आउटस्टैंडिंगली बैड एंड शॉकिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगियस। एग्रीगियस मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग। नेक्स्ट इज अ पर्सन विथ अनयूजुअल और अबनॉर्मल बिहेवियर। ऐसे इंसान को मैं ये एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ही नोटेड हर एक्सेंट्रिक अपियरेंस। एक्सेंट्रिक मतलब बिल्कुल अनयूजुअल, अजीब, अनकन्वेंशनल। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है जब मैं सोचती हूँ, वो है रणवीर सिंह। अगर आपने नोटिस किया हो, वो कुछ भी कपड़े पहन लेता है, ही कैन वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स। उसके ब्लिंगी कपड़े होते हैं, वो स्कर्ट भी स्पोर्ट कर चुका है, बहुत सारे और भी इस तरीके के कपड़े पहन चुका है, बहुत अनयूजुअल कपड़े। तो या फिर अगर किसी का ऐसा, जैसे मान लीजिए आपका एक पड़ोसी है, वो अपने आप को एक सुपरमैन समझता है, वो यहाँ से वहाँ फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है दैट इज़ एन एक्सेंट्रिक बिहेवियर, बहुत ही अजीब किस्म का बिहेवियर है। अपियरेंस का मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि आप उससे याद रख सकते हैं। जैसे रणवीर सिंह है, उनके कपड़ों से आप याद रख सकते हैं कि जो उनके कपड़े हैं वो थोड़े मतलब उनके एक्सेंट्रिक स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, उनके अपियरेंसेज आर एक्सेंट्रिक अपियरेंसेज हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ डिजीज़ दैट कॉजेज अ पर्सन टू फॉल और अनकॉन्शियस, इट इज़ कॉल्ड एपिलेप्सी, यानी मिर्गी का रोग। मिर्गी का रोग तो हम सब जानते हैं, जिसकी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आपको पता नहीं लगता कब सामने वाला मतलब जो भी है वो, जिसको ये बीमारी है वो गिर सकता है, उससे काफ़ी चोट भी लग सकती है। मैं किसी को जानती थी जिनकी इस तरीके से वो गैस के ऊपर गिरने की वजह से मतलब उनकी पूरी वो जल गई थी, फेस जल गया था। सो आप सोच सकते हैं कि कितनी लीथल बीमारी है। तो एक डिज़ीज़ जो कि आपके अनकॉन्शियस होने से, किसी पर्सन के अनकॉन्शियस होने से आप गिर जाते हो, उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एपिलेप्सी, राइट, यानी कि मिर्गी का रोग। मिर्गी मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, तो आप समझ सकते हैं जो मिर्गी में होता क्या है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। नेक्स्ट इज़ वन हु यूजेस एम्बिगुअस वर्ड्स टू कंसील द ट्रूथ, इट्स कॉल्ड इक्विवोकल। इक्विवोकल मतलब क्या हुआ, आप दोनों तरफ से बोल रहे हैं, आप इस तरीके की स्पीच बोल रहे हैं, इस तरीके के वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे आप इनडायरेक्टली, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे और थोड़ी स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे तब तो अलग बात है, बट अदरवाइज अगर वो कई बार अपने कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दे दिए जिससे दे वांट टू फॉल बैक फ्रॉम इट, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही एम्बिग्यूस सी स्पीच देते हैं, आपको खुद समझ नहीं आएगा। द्विअर्थी, जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है द्विअर्थी, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीच होगी वो इक्विवोकल होगी, वो सच को छुपाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे जिससे कि एक क्लियर मतलब ना निकलता हो, so that is equivocal. Next is a phrase that refers to the character or quality of somebody or something. एक ऐसा phrase या character जो किसी और की character या quality किसी का represent करता हो, इसे हम कहेंगे epithet. अब एपिथेट को अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं, तो बेसिकली ये एक निकनेम, एक लेबल, एक टैग है। जैसे कि कई बार आप देख सकते हैं कि जो आपके ओल्ड लोग होते हैं उन पे कोई, हम एक अजीब सा एपिथेट लगा देते हैं, या लेज़ी का या किसी और का, तो आप या एक अजीब सा निकनेम डाल देते हैं जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक ऐसा निकनेम जो रेफ़र करे किसी कैरेक्टर या क्वालिटी को, ओल्ड मैन सपोज ओल्ड लोगों की क्वालिटी को, तो वो एक निकनेम हो गया, एक बाय नेम, उसे हम कहेंगे एपिथेट, राइट। या फिर द वुमेन बिगिंस टू हर्ल रेशियल एपिथेट्स एट देम। रेशियल एपिथेट मतलब कि आप किसी के ऊपर रेसिज्म के ऊपर एपिथेट कर रहे हो, रेसिज्म के ऊपर एक आपने जेंडर वर्ड्स बना लिया और आप उन्हें सप्लाई कर रहे हो लोगों को।
नेक्स्ट इज अपथी और रिमार्क सेइंग और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर एंड एन अम्यूजिंग वे. एक बहुत ही इंटेलिजेंट सोचा हुआ रिमार्क या फिर एक कोई आइडिया एक बहुत ही अनोखी तरीके से एक्सप्रेस करना, इसे हम क्या कहेंगे, एपिग्राम. जैसे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी एपिग्राम बताती हूँ. नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. जिसका मतलब है कि कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता जब तक आप एक तरीके से उसे कंसेंट ना दो. तो ये हो जाएगा एक एपिग्राम, राइट. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिमार्क है, राइट. क्योंकि ये आपको एक तरीके से बता रहे कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर रहना चाहिए, आपको किसी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहिए, राइट. सो दैट्स एन एपिग्राम. नेक्स्ट इज़ हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग एज टिपिकल ऑफ अ वुमेन, अनमैनली. सो कुछ इसे हम कहेंगे एफिमिनेट. एफिमिनेट मतलब स्त्री के स्वभाव वाला. जैसे अगर मान लीजिए कोई लड़का है जो इस तरीके से ड्रेस्ड अप है, तो इसे आप सोचेंगे कि वो स्त्री के कैरेक्टर्स वाला है. या जैसे क्योंकि हम जल्दी से रोना लड़कियों की क्वालिटी से एसोसिएट करते हैं, तो कोई ऐसा लड़का जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाए, बहुत जल्दी बुरा मान जाए, रोने लग जाए, तो उसे सोचोगे आप कि वो एफिमिनेट है. उसकी क्वालिटीज़ जो हैं दे आर टिपिकल ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ अ वुमन, ठीक है, अनमैनली. नेक्स्ट इज स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन. इसे कहते हैं हम एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी के बोलना. जैसे कि आप अगर मान लीजिए कहीं किसी प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ में जब जाते हैं, खासकर अगर आप MBA के इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे एक्सटेम्पोर बोला जाता है बोलने को, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते. तो वो देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग कितनी लॉजिकली सोच सकता है बिना तैयारी किए, राइट. तो डन विदाउट प्रिपरेशन, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सटेम्पोर. अगला आता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए लास्ट करना, इसे कहते हैं एफर्मेरल. एफर्मेरल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. ऑल दो ये देखने तो बड़ा एक्सपेंसिव अच्छे से लग रहा है, बट मान लीजिए कुछ आपका कोई डिओड्रेंट या परफ्यूम हो गया जिसकी जो फ्रीक्वेंस है दैट इज़ एफर्मेरल. एफर्मेरल मतलब कि बहुत ही छोटे समय के लिए लास्ट करने वाली, बहुत लंबे समय तक जो लास्ट ना करता हो, दैट इज़ एफर्मेरल. नेक्स्ट इज समवन हु एस्केप्स फ्रॉम रियलिटी एंड रिट्रीट्स इनटू फैंटेसी. जो कुछ लोग होते हैं जो रियलिटी में रहना पसंद नहीं करते, जिन्हें रियल बातें, रियल चीज़ों पे जिनका ध्यान नहीं होता, वो एक फैंटेसी, अपनी एक ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं. ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, एस्केपिस्ट. एस्केपिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो रियलिटी है लाइफ की उससे दूर भागना चाहते हैं, उसमें रहना नहीं चाहते, तो इसे हम कहेंगे एस्केपिस्ट. नेक्स्ट इज अ सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व्स एज अ कमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड. इसे हम कहेंगे एपिलॉग. अब एपिलॉग आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी, मैक्सिमम नॉवेल्स रादर, उसमें आप लास्ट में देखेंगे एक एपिलॉग लिखा रहता है. आई थिंक चेतन भगत की बुक्स तो सबने ही पढ़ी होंगी कभी ना कभी, तो आप देखेंगे उसके एंड में एक एपिलॉग होता है. एपिलॉग क्या होता है, वो एक तरीके की स्पीच होती है जो कि या तो एक कमेंट की तरह एक्ट करती है और कंक्लूजन की, या फिर कंक्लूजन उसकी बुक्स में यूजुअली इट एक्ट्स एज अ कंक्लूजन, जिसमें कि जिन स्टोरीज में खासकर वो मुख्य पात्र नहीं होते, वो एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि जो कैरेक्टर था आपका उसके साथ एंड में क्या हुआ. सो दैट्स एन एपिलॉग. नेक्स्ट इज अ डिजीज रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल ऑफ इन अ सर्टेन एरिया. एक पर्टिकुलर पीपल या एक सर्टेन एरिया में जो डिजीज़ पाई जाती है, इस तरीके से उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंडेमिक. जैसे कि आपकी डिजीज़ होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, वो किसी प्रोटोजोन पैरासाइट्स के थ्रू होती है, और ये वाली जो डिजीज़ है बेसिकली अफ्रीका में ही होती है. सो एक जो पर्टिकुलर डिजीज़ पर्टिकुलर तरीके की लोगों के लिए पर्टिकुलर एरिया में होता है, उसे हम कहेंगे एंडेमिक. नेक्स्ट इज अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड स्पेशली एज एन इंक्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, इसे हम कहेंगे एपिटाफ. एपिटाफ क्या होता है, एक समाधि लेख, यानी कि समाधि के ऊपर आपने देखा होगा कई बार टॉम्बस्टोन पे लोग लिखते हैं ना इनके बारे में कि ऐसे थे उनकी तारीफ या जो भी लिखते हैं उनके बारे में, उसे हम कहेंगे. और क्योंकि वो एक इंस्क्रिप्शन होता है टॉम्बस्टोन के ऊपर लिखा जाता है, तो उसे हम कहेंगे एक एपिटाफ, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं टू रिमूव द ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक. एक्सपगेट. एक्सपगेट इज आपने जो ऑब्जेक्शनल पार्ट है किसी बुक का, हो सकता है उसमें बहुत ऐसे कंटेंट हो जो अडल्ट कंटेंट हो बट हम उसे प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंटेंट को हम निकालना चाहते हैं, इसे हम कहेंगे एक्सपगेट. ऑलराइट. नेक्स्ट इज टू फ्री फ्रॉम
टू फ्री कम्प्लीटली फ्रॉम ब्लेम, किसी ब्लेम से पूरी तरीके से मुक्त करना, उसे हम कहेंगे एक्सोनरेट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसी इंक्वायरी बैठा दी जाए जिससे कि जो आपके कॉन्विक्स हों, जो दोषी हों, उन्हें आप आराम से आज़ाद छोड़ सकते हो, उन्हें आप डिस्चार्ज करा सकते हो, तो क्या होगा, आपने एक्सोनरेट करा, आपने उनको ब्लेम से कम्प्लीटली हटा दिया। और राइट, नेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक और राइटिंग, इसे हम कहते हैं एक्सर्प। एक्सर्प अगर आप देखेंगे आजकल बुक्स को प्रमोट करने के लिए उनके एक्सर्प्स ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ताकि आप उस बुक से अम्यूज़ होकर उसे और पढ़ना चाहें कि क्या होने वाला है इस किताब में, आप देखना चाहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एक्सर्प, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक और राइटिंग। ओके, नेक्स्ट इज साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, इसे हम कहेंगे एंथोलॉजी। जब आप पूरे इंसानों के बारे में पढ़ना चाहते हैं उस पूरी रेस को, उस पूरे साइंस को हम कहेंगे एंथोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, लॉजी मतलब पढ़ाई होता है, तो एंटोमोलॉजी विल बी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो अगर आप इंसेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं उसे हम कहेंगे एंटोमोलॉजी, अगर इंसानों की पढ़ाई करते हैं तो उसे कहेंगे एंथोलॉजी। बस आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।